मेरा नाम शंभु पासवान, लोअर नेपाल आई हॉस्पिटल में कार्यरत टेक्निकल स्टाफ हूँ और मुझे 14 साल से करीब डायबिटीज था और मैंने इंग्लिश दवा अंग्रेजी दवा नहीं खाया था कभी और आयुर्वेदिक दवाइयों पर अपना ही चला रहा था। फिर भी भात खाने से, खाना पड़ने से, कोई चीज़ खाने से मेरा ठीक नहीं हो रहा था, बढ़ जाता था लेवल। और मैंने अढ़ाई महीने पहले करीब अढ़ाई पौने तीन महीने पहले यूट्यूब पर देखा उसमें विज्ञापन में, तो और लोगों का प्रतिक्रिया देखा जिसको ठीक हो गया था, उसको प्रतिक्रिया में देखा तो लोग बोलते थे ठीक हो गया था, तो मेरे मन में भी आया कि मैं हो सकता है चलते हैं हो गया जाए मेरा भी ठीक हो जाए, हैं इस आशा से मैंने इनके पास आया है और मैंने इसे इलाज कराना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बोले जिस तरीका से खाने पीने का वैसे ही करके पूरा पूरी ध्यान रख करके ही किया और समय समय पर टीबी का जांच, ब्लड शुगर का जांच कराते गया। अब इलाज के कुछ दिन के बाद ही धीरे धीरे घटना शुरू काम करना शुरू कर दिया दवाई इनका, ये डायबिटीज भी ठीक हो सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज अढ़ाई महीने के बाद मैं डॉक्टर से अभी रिपोर्ट लेकर आया है, मेरा खाना खाने के बाद बीपी है 135 और इसके बाद एक हफ्ता पहले 121 था और मैंने दो कटोरा भात भी खाया और भात का मात्रा बढ़ाते हुए भी मेरा बीपी नॉर्मल रेंज से नीचे ही है कर रहा हूँ और मुझे कोई अंदर से कमजोरी भी नहीं महसूस हो रहा है और मेरा सब हीमोग्लोबिन भी पहले से अच्छा हो गया है। और ये दूसरी बात है, मैं डॉक्टर साहब बोल रहे हैं भात खाने से भी हो गया, बहुत खुशी लग रही है कि ये समझिए है एक तो नया जन्म किसी से महसूस हो रहा है, नया जन्म होता है इस टाइप सबको लग रहा है और बहुत खुशी लगा। और जितने भी मेरे परिचित लोग हैं जो मैं तो कहूँगा एक बार यहाँ पर डॉक्टर साहब से आकर के इलाज कराएं ताकि उन लोगों को भी नया जन्म मिले और डायबिटीज के बारे में जो भ्रम है नहीं ठीक होता है वो तो भ्रम टूटे। मेरा नाम अजय कुमार हुआ, घर गोछारी, जिला खगड़िया, मैं किसान हूँ, डायबिटीज पेशेंट एक साल पहले से था, अंग्रेजी दवाई खा रहे थे बेगूसराय से, 200 और 300 फास्टिंग, 200 और पीपी 300 था, तो भोला जी हमको बताए मेरा का था वो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं भागलपुर में एकेरा, वहाँ से दवाई खाइए आप ठीक हो जाइएगा, एकदम डायबिटीज संतुष्ट हो जाइएगा बिल्कुल ठीक। तो हम यहाँ भागलपुर से स्टार्ट किए दवाई खाने के लिए, जब से दवाई खाएं, खान पान को नियंत्रण रखते हुए जैसे डॉक्टर साहब बताएं वैसे खाएं, उस दिन से तो डायबिटीज कमते ही चला गया और एक महीना से दवाई हम नहीं खाएं, कोई भी दवाई नहीं खाने के बावजूद भी सब चावल दाल आलू सब्जी खाते हुए भी अभी डायबिटीज मेरा 125 है। अब मैं इस डॉक्टर से संतुष्ट हूँ और जो डायबिटीज पेशेंट हैं संपर्क कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाइएगा।